नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और नमस्कार। एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से निलंबित नूपुर शर्मा ने पैगंबर विवाद में को लेकर के काफी फजीहत झेल ली है और वो जब अपना पक्ष लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं तो वहाँ जो शीर्ष न्यायालय है उन्हें उन्होंने भी उन्हें काफी कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि उनके कारण पूरे देश में अशांति फैल गई है और ये जो अभी 2 दिन पहले की जो घटना हुई है उदयपुर में, उसके लिए भी उन्हें ही दोषी करार दिया है। माननीय न्यायाधीश सूर्यकांत और माननीय जेबी पर्दीवाला की अवकाशकालीन बेंच ने नूपुर शर्मा की अर्जी पर विचार करने से इनकार कर दिया और उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा। इसके बाद नूपुर शर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय से अपनी अर्जी वापस ले ली। इस पे अब काफी राजनीति हो रही है। हर पार्टी अपने तरीके से इसको इस्तेमाल कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आज इसी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं अनिल गुप्ता जी। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। धन्यवाद। और मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हैं डॉक्टर एपी सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले अनिल जी, आप ही से जानना चाहूंगी, आपको मतलब इस टिप्पणी की क्या उम्मीद थी? क्योंकि ये टिप्पणी इसलिए सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण है क्योंकि अब इस पे बहुत राजनीति हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में जब कोई भी व्यक्ति केस लेकर पहुंचता है तो जी वो वहां पर अपनी जो समस्या लेकर जाता है उसके निदान के लिए जाता है। जी अगर उसका निदान करने की बजाय उसको टिप्पणियों की गुट्टी पिलाई जाए और वो बेहद तल्ख भाषा में, तो निश्चित रूप से इसकी उम्मीद लेकर तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता। और जिस मुद्दे को लेकर नूपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट में गई वो ना तो कोई अनोखा विषय था ना पहली बार था। ऐसे बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए हैं कि जिनमें एक ही व्यक्ति के खिलाफ राजनीतिक भावना से अलग अलग देश के हिस्सों में मुकदमे कायम कर दिए जाते हैं और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहता है कि भाई सब जगह पे मेरे लिए जाना संभव नहीं है, मुझे मुकदमा ठीक है, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, लेकिन इन सबको एक जगह क्लब कर दो। एक ही जी जब विषय वस्तु है तो उसको एक ही जगह करने में क्या परेशानी है। लेकिन जी उसकी बजाय जो टिप्पणियाँ की गई हैं वो टिप्पणी न्यायिक कम और राजनीतिक ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं। वो और कैसे जिस राजनीतिक, न्यायाधीश कैसे नहीं, राजनीतिक राजनीतिक कैसे मैं इसलिए बताता हूँ कि जिन न्यायमूर्ति महोदय ने ये टिप्पणियाँ वहाँ पर की जी उनकी पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीति की है। उनके पिताश्री 80 के दशक में गुजरात में कांग्रेस के विधायक रहे, शायद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर भी रहे। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से जो वर्तमान डिस्पेंसेशन है केंद्र में राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में, उसके प्रति उनकी खुन्नस पारिवारिक होना स्वाभाविक लगता है। एक और मैं एग्जाम्पल दूंगा इसी प्रकार का। एक न्यायमूर्ति थी गुजरात हाईकोर्ट के अंदर जो कांग्रेस शासित उत्तर भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री की बेटी थी जी और तीस्ता सीतलवाड़ और उसके साथ के जितने भी गैंग के आदमी थे वो सारे जितनी भी दरख्वास्तें लगाते थे वो सारी उन्हीं न्यायमूर्ति महोदया की अदालत में पेश होती थी। और सब में जी मोदी और योगी, ये अमित शाह जो गृहमंत्री थे उस टाइम गुजरात के, इनके खिलाफ ऑर्डर पास होते थे। तो यही स्थिति सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रखी थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आफ्तार आलम या क्या नाम था उनका, जैसे आपका, वो थे और जो भी एप्लीकेशंस आती थी वो सारी की सारी उन्हीं के पीठ में लगती थी और उनके बारे में चर्चाएं आई। गुजरात के हाई कोर्ट के जज साहब ने 8,000 पेज की चिट्ठी तत्कालीन चीफ जस्टिस को लिखी और उसमें उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए कि किस प्रकार से सारे के सारे मामले इन्हीं जज साहब की कोर्ट में जाते हैं और इन्हीं जज साहब की कोर्ट से। और उन्हीं जज साहब के बारे में ये भी बाद में कमेंट आए कि तीस्ता सीतलवाड़ के ट्रस्ट द्वारा उनको स्पॉन्सर किया गया लंदन में यात्रा, उनकी पूरी आवभगत उनकी की गई, खातिर वहाँ पर की गई, उनका वहाँ पर एक लेक्चर स्पॉन्सर कराया गया, लेक्चर कराया गया,
तो ये सारी सुविधाएं लेते रहे हैं और इस प्रकार की सुविधाओं के साथ साथ राजनीति के साथ साथ और भी बहुत सारे कारण जुड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये टिप्पणियाँ जो है ये केवल सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को बढ़ाने की बजाय गिराने का काम करती हैं, क्योंकि इससे आम आदमी का विश्वास हटता है कि भाई हम न्याय के लिए आए हैं यहाँ पर और न्याय की बजाय हमारे को यहाँ उल्टा जो है भाषण पिलाया जा रहा है। तो उस सब की क्या आवश्यकता थी भाई आपको, नहीं सारे कैसे। पहली बात तो ये है, जिस महिला ने ये टिप्पणी करी उसने अपने आप से कोई टिप्पणी नहीं कर दी। शिवाजी ने टीवी डिबेट में कुछ उकसाने वाली बातें कही गई जिस पंथ को या जिस धर्म को मानने वाली थी वो वक्ता, उसके खिलाफ कुछ टिप्पणियाँ की गई विपरीत दूसरे लोगों के द्वारा, तो उसके अंदर उसको उकसाया गया। उस उकसावे में उसने भी अगर मान लिया कुछ ऐसी बातें कह दी तो जो असत्य नहीं है, जो पूरी तरह सत्य है। अभी एक चार दिन पाँच दिन पहले सऊदी अरब के एक मौलवी साहब का बहुत सीनियर वहाँ के वो हैं जो इस्लाम के विद्वान, उनका एक भाषण आया, वो बयान आया है, उन्होंने कहा कि नूपुर शर्मा ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सच है और मैं उसकी पुष्टि करता हूँ और ये सारी की सारी बातें हमारे शास्त्रों में ग्रंथों में लिखी हुई हैं। तो जब वो भी कह रहे हैं वही बात अगर मान लिया जो इस्लामिक विद्वान है, तो उन्हीं बातों को अगर नूपुर शर्मा ने कह दिया है तो नूपुर शर्मा के खिलाफ तो उसका सर धड़ से अलग करने के लिए फतवे जारी हो गए, उसको वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करनी पड़ी जी। और जिसको वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है अगर उसको 20 राज्यों के अंदर मुकदमे स्थापित करके 20 राज्यों के अंदर दौड़ना पड़ेगा तो कितनी प्रशासनिक अव्यवस्था भी होगी कि सब जगह पर जो वायु श्रेणी की सुरक्षा वो सब दौड़ती फिरेगी सब जगह पर। और कहीं पर अगर उस महिला के साथ में जो जघन्य कांड सरकार का राजस्थान की सरकार पहले से कहने के बावजूद कन्हैयालाल को नहीं बचा पाई, तो अगर मान लिया कोई अनहोनी नूपुर शर्मा के साथ में हो जाएगी तो क्या जज साहब उसकी जिम्मेदारी लेंगे? साहब ने तो एक तरह से नूपुर शर्मा को के बयान के को लेकर कन्हैयालाल की हत्या को जस्टिफाई कर दिया है। हिसाब जो अगर मान लिया वकील साहब से भी कुछ जानना चाह रही हूँ। सिंह साहब आप ये बताइए कि नूपुर एक सपोर्ट लेने के लिए गई थी वहां पे न्यायिक सपोर्ट के लिए, उसने अपनी सारी एप्लीकेशंस को क्लब करने के लिए एक अपील की थी और उसको इस तरीके की टिप्पणी मिली, आप क्या कहते हैं? नहीं, गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की टिप्पणी, जैसा कि हमारे आदरणीय गुप्ता जी ने बहुत विस्तार से बताया है और आप भी बहुत क्राइम की बहुत अच्छी सीनियर रिपोर्टर हैं, आपका चैनल उत्तर भारत में देखा जाता है और बौद्धिक चैनल के रूप में देखा जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा जिस तरह की टिप्पणी कोई बेवजह, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऐसा नहीं है केवल दिल्ली में है, वो गुवाहाटी से चौपाटी कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। एनआरआईज हैं जो देश से बाहर रहते हैं वो भी भारत माता से प्यार करते हैं, भारत की बात करते हैं, अपने देश के बारे में जानना चाहते हैं, वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते हैं। ये टिप्पणी औचित्यहीन थी। बात थी क्लबिंग, कितने केसेस हम लोग कराते हैं, रामदेव जी ने किया, कहीं बोला, बोल जाते हैं, निकल जाता है, सामाजिक जीवन है, या इंटेंशनली निकल गया तो क्लब केस होंगे, केस फेस करेंगे, केस क्लब होने का राइट है, संवैधानिक अधिकार है। अभी मुकेश जैन जी का केस हुआ उड़ीसा में, भद्रक में, बालेश्वर में, दिल्ली में FIR की लाइन लग गई, जबकि काम क्या था, जो वहां पुरी का मंदिर की जगन्नाथ यात्रा कराने के, यात्रा हुई, यात्रा कराई गई, लेकिन केस रजिस्टर कर दिए गए मुकेश जैन पर पूरे देश में, एप्लीकेशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में, मैंने क्लब कर दिए गए केस, बहुत अच्छी बात, सब जगह होते हैं। क्लब करने के लिए केस की एप्लीकेशन थी, ना कि जस्टिफाई करने के लिए उदयपुर कांड। उदयपुर कांड की इन्वेस्टिगेशन पर इफेक्ट किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑनरेबल जस्टिस के ये बयान, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये गलत है और इसको तथ्यहीन ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए, ये हवाई बातें नहीं की जाती हैं। कमेंट्स इस तरह करें, सीरियस कोर्ट होती है, व्यक्ति गया है आपसे जो रिलीफ प्रेयर पे आइए, जो प्रेयर मांग रहा उसकी बात कीजिए, क्या किया क्या नहीं किया वो तो उनके वकील साहब थे, नहीं उन्हें कहना चाहिए था गोधरा कांड किसने कराया, सीलमपुर हत्याकांड किसने कराया, मुजफ्फरपुर दंगे किसने कराए, इतने देश में दंगे हुए, वाराणसी में दंगे किसने कराए, जयपुर में दंगे किसने कराए, ब्लास्ट किसने कराए, करौल बाग में सीरियल ब्लास्ट किसने कराया, मुंबई में सीरियल ब्लास्ट किसने कराया, हु इज रिस्पॉन्सिबल, बताएं आप कौन रिस्पॉन्सिबल है, आप बता सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, कहना चाहिए था लेकिन नहीं कह पाए, मजबूरियां रही होंगी, कोई बात नहीं।
लेकिन साफ तौर पर देखिए ये गलत था उनका जो इस तरह से कमेंट्स इस तरह से करना चीज के बारे में, जो रिलीफ लेने का वो हाँ इन्होंने कहा, नूपुर शर्मा ने क्या स्टेटमेंट दिया सुनने में गलत लगता है, दुखद लगता है, हमारे देश की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम सभ्यता है, हिंदू मुस्लिम सब मिलके रहते हैं, सभी लोग सब धर्मों को लोग सम्मान करते हैं दूसरे का, हमारा संविधान सम्मान करता है, धर्मनिरपेक्ष हमारा संविधान है, सब चीजें अच्छी हैं। अब देखना यह है उस डिबेट में क्या किस तरह से किसको उकसाया गया, क्या कहा गया। अब एंकर आरोपी हैं, पैनलिस्ट आरोपी हैं, चैनल आरोपी है, इसका मतलब आप बैठा लें डिबेट में तो पहले आप मेरे अंदर का टेस्ट करें कि मैं क्या बोल सकता हूं, क्या बोलूंगा, या आदरणीय अनिल गुप्ता जी क्या बोल देंगे, क्या नहीं बोल देंगे, उनके क्या भाव हैं, या ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है, लाई डिटेक्टर टेस्ट बनी है, जो बोल देता है उसको फिर से पुनरावृत्ति तो कर लेते हैं, फिर से उसकी निकल आती है, लेकिन भविष्य की फ्यूचर डिटेक्टर नहीं बनी है कि ये व्यक्ति फ्यूचर में क्या बोलेगा। मुझे तो दुनिया भर के, मैं क्रिमिनोलॉजी में डॉक्टरेट की मैंने, मुझे कोई दुनिया में ऐसी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी कहीं नहीं मिली कि जो फ्यूचर की डिटेक्टर बता दे कि ये व्यक्ति भविष्य में ये बोलने वाला, आज ये बोलेगा, कल ये बोलेगा, परसों बोलेगा। उस पर पैनलिस्ट के ऊपर, एंकर के ऊपर, चैनल के ऊपर इस तरह के केस होना दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, क्या बात कही, क्या नहीं की, उन्होंने क्षमा मांगी, नहीं मांगी, सार्वजनिक रूप से मांगी, अंदर कमरे में मांगी, किस चैनल पे मांगी, किस चैनल पे वो टेलीकास्ट किया गया, कहाँ एफआईआर हुई, कौन कंप्लेनेंट है, क्या ट्रायल होगा, कहाँ जज होंगे, ट्रायल होगा, एविडेंस होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, आप इन्वेस्टिगेशन का मौका ही नहीं देना चाहते, आप मीडिया ट्रायल करके अपने को उसमें डालना चाहते हैं, ये बिल्कुल दुखद है। और दूसरी बात, उनका हाईकोर्ट जाइए, क्या राइट है हाईकोर्ट जाने का, केस रजिस्टर हुआ महाराष्ट्र में, राजस्थान में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, कौन सा हाईकोर्ट, किस हाईकोर्ट को पावर है, किस हाईकोर्ट के अधीन पावर दी गई है कि क्लब कर देंगे केस, कहां से क्लब कर देंगे, कैसे क्लब कर देंगे, जब क्लब अगर करते हैं तो आप ऐसी साइटेशन दीजिए, हम लोग क्यों यहाँ दुखी हो लोगों के लिए, लोग वहीं अपने लगा लिया करेंगे, वहीं के वहीं करा लिया करेंगे क्लब, ये दुखद था। लेकिन जो नूपुर शर्मा ने कहा, किसी भी धर्म के लिए, मैं किसी धर्म की बात नहीं करता, हमारी सभ्यता बहुत प्यारी है, हमारा धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, बड़े पवित्र धर्म है, सब धर्मों की इज्जत करना भारत में सिखाया जाता है, हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां सब धर्मों के पूजा स्थल हैं, बड़े अच्छे बने हुए हैं, और सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं धर्म के लोग, और इसीलिए धर्म के रूप में कितने धर्म पर धंधा होते हैं, भारत देश ऐसा है 150 करोड़ लोगों का, जहां धर्म पर कितने धंधे होते हैं, दुनिया में किसी देश में इतना धंधा नहीं होता है धर्म का, लेकिन फिर भी हमारे लोग चैरिटी दान करते हैं, उस पर देते हैं सबको, सबके धर्म चल रहा है, तो हमें इस पर नूपुर शर्मा की गलती थी, उत्तेजना में नहीं आना चाहिए, हल्कापन नहीं लाना चाहिए, गंभीर रहना चाहिए, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिसके आधार पर हो, लेकिन उदयपुर कांड को जोड़कर अगर नवल कोर्ट कहती है वो और दुखद है, वो बहुत दुखद है, वो तैयारियां कब से हो रही थी, 2014 से तैयारियां हो रही थी, रिकॉर्डिंग हो रही है, सोशल मीडिया का मिसयूज किया जा रहा है, वो कंप्लेंट दे रहा है, धमकी की दे रहा है, मां डाले कंप्लेंट, लोकल पुलिस क्या कर रही है, क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली एजेंसियां कर रही है, उनको करने का काम था, उनको करना चाहिए, उस विषय पे हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हमने तो ये तिरंगा लहराया है, हमने तो राज 26 जनवरी 15 अगस्त को बचपन में ये झंडा लेके भागे हैं, हमने तो नुक्ती लड्डू 26 जनवरी और 15 अगस्त को स्कूलों में सबको बांटे हैं, हमें नहीं पता होता था कौन मुस्लिम कौन हिंदू, हमें तो जो मेरा दोस्त है, जो मेरा प्यारा है, हम तो ईद के दिन वहां से सेवैया खाने निकल पड़ते थे, वो हमारे साथ होली वाले दिन गुजिया खाने निकल पड़ते थे, वो दिवाली वाले दिन मिठाई खाने निकल पड़ते थे सब हम लोग मिलके, हमारा तो देश ये रहा है। लेकिन किसी को भी डिबेट को, पैनलिस्ट को, एंकर को, मैं आपको रोकना चाहूंगी सिंह साहब, अभी अनिल गुप्ता जी ने ये कहा कि ये जो नूपुर शर्मा की जो टिप्पणी है वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में रिकॉर्डेड है जो उसने कहा है। अनिल जी नहीं, जब वो कौन थे जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर पेंटिंग बनाई थी महिलाओं की, वो थे चित्रकार थे हामिद हुसैन अंसारी क्या जी? हाँ हाँ, गुप्ता जी की बहुत अच्छी मेमोरी है, बढ़िया है, अच्छी बात है, मैं भूल गया। वो उठ बनाई, वो क्या था, वो क्या था, अभी पीछे
गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहब को बचाते हुए लोग भाग रहे थे, वो क्या था, वो किस तरह की थी बात, इस तरह का नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कई बार धर्म के नाम पर बुलडोजर चल जाता है, धर्म के नाम पे कि ये व्यक्ति इस धर्म का है इसलिए बुलडोजर चलेगा, दुखद है, बिल्कुल दुखद है, उस पर होना चाहिए सर। मैं कौन कहता है, आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए। हैदराबाद में 4 बलात्कार के आरोपी, आरोप पत्र नहीं दाखिल था, चार्जशीट नहीं दाखिल थी, पुलिस ने ले जाके एनकाउंटर कर दिए, सीन रिक्रिएट कर रहे थे साहब, हम सीन रिक्रिएट करने गए हैदराबाद में थे, हमने चारों मार डाले, बड़ी तालियां बजी, बड़े लड्डू खिलाए, बड़े फूलमाला लगाई, अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सब काम मुलजिम है, सब पे लगा मुकदमा, सब पे मर्डर चलेगा, सबने हत्या की है, जगन ने हत्या की है, ये चला। तो इस तरह से हमारे देश की खूबसूरती है कि हम भारत के संविधान को मानते हैं, तानते हैं, विश्वास करते हैं, अपनाते हैं। सब रहे, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, गिरजाघर में सब में अपनी अपनी पूजा करती है। सिख समाज, आपने देखा मनिंदर जी, सिख समाज गर्मियों में शरबत पिलाता है, इतना बड़े इंतजाम पानी करता है, वो कभी पूछता है आपका धर्म क्या है, आपका मजहब क्या है, बस में, सवारियों पे, ट्रेन में पानी पिलाते घूम रहे हैं, शरबत पिलाते घूम रहे हैं, वो पूछ पूछ के पिलाते हैं आपको कि आपका मजहब क्या है, आपका धर्म क्या, आपका नाम बताओ, आधार कार्ड दिखाओ, आई कार्ड दिखाओ, तब हम पिलाएंगे, कभी नहीं। हमारा देश बहुत प्यारा रहा है, तभी तो इस देश में भारत माता कहते हैं, कभी आप चीन माता, जापान माता, अमेरिका माता, इंग्लैंड माता, यूक्रेन माता, रूस माता सुना, हमारे तो माता, भारत माता का मतलब बड़ा दिल, बड़ा जज्बा, बड़ा प्यार लोगों में, ये सब चीजें रहती हैं। ईद पे मिलते हैं सब लोग, गली मोहल्ले में निकलते हैं, पटाखे छूटते हैं, एक दूसरे के शादी ब्याह में जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, हमारा ये रहा है। हमारा कहीं नहीं रहा है कि हम मोहम्मद साहब के लिए बोले या वो प्रभु श्री राम के लिए बोले कि राम काल्पनिक थे, वाह भाई वाह, राम काल्पनिक थे, अयोध्या है, लक्ष्मण है, सब कुछ है, सरयू है, लेकिन राम काल्पनिक, हम नहीं मानते इस बात को। हम तो वो है जो गुरु ग्रंथ साहब शहीद, क्या क्या समझते हैं सिख धर्म की महत्वता को, इस देश के आताताइयों से लड़ते हुए एक पिता ने अपने बच्चों को अपने सामने कटवा दिया, ये हमारी देश की सभ्यता रही है, ये हमारी त्याग तपस्या बलिदान का पराकाष्ठा रही है हिंदुस्तान में जी। अनिल जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि ये कहा जा रहा, आप सुन पा रहे हैं मुझे अनिल जी? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं, ये बात बहुत प्रमुखता से कहते सुन जी, ने किचड़ी, ये बात बड़ी प्रमुखता से उठाई जा रही है कि नुपुर के कारण जो है देश में आग लगी है। हालांकि सिंह साहब ने अपने तरीके से इस बात को बताया, आप भी जरा इस पे बताएं। नहीं, आग इस देश के अंदर क्या अभी एक महीने से ही लगी है, वो क्या जाएगा मेरे साथ बेटा, आवाज आ रही है। तो इस देश के अंदर 712 में सबसे पहले लग गई थी जी, और तब से लगातार लग रही है, पिछले 1400 साल से हम उस आग को ही देखते चले आ रहे हैं। है? और जो बात अभी, एक बात मैं आपकी बात को बीच में रोकते हुए और मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, अभी डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि उत्तर प्रदेश के अंदर धर्म देखकर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जिन पर भी बुलडोजर चलाए गए हैं उनके मुकदमे प्रयागराज में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने लगे हुए हैं, और वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने वो सारी डिटेल दी है कि किन बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलाए गए हैं, वो सारी सरकारी जमीन के ऊपर गैर कानूनी तौर से बनाई गई थी और सबको नोटिस जारी करके पूरी कार्रवाई की गई थी, उसके बाद में भी जब कुछ नहीं हुआ तब उनके ऊपर बुलडोजर चलाए गए। और अगर वो सारे एक ही पंथ या एक ही संप्रदाय के लोगों के थे तो इसके बारे में तो कोई वो कह नहीं सकता कि कोई संविधान की कर रहे हैं अनिल जी। मैंने डॉक्टर साहब की बात के ऊपर कही, दूसरी जहाँ तक नुपुर शर्मा का सवाल है, नूपुर शर्मा ने जो बात कही वो क्षणिक रूप से कही गई, तत्काल उसकी पार्टी ने उसको पार्टी से निलंबित कर दिया, उसको पद से हटा दिया, उसने अपनी माफ़ी मांग ली और उसने कह दिया कि भाई मेरे को उकसाया गया था और मेरे मुंह से निकल गया, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। अब इतना सब होने के बावजूद भी पूरी दुनिया में एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक उसके खिलाफ फतवे भी जारी कर दिए, यही स्थिति एक कार्टून बनाने वाले एक पत्रकार के डैनियल पॉल के खिलाफ की गई थी, यही स्थिति और जगहों पे की गई है, जहाँ अगर मान लिया इतनी भी वो उदारता की बात करते हैं
है, और उदारता नाम की चीज कहीं पर भी दिखाई तो पड़ती है। 26/11 का बॉम्बे में कांड हुआ है, उसके अंदर क्या नुपुर शर्मा वहां पर मौजूद थी? दिल्ली के अंदर वो जो कौन सा था कॉलोनी, वो यहाँ पर मोहनचंद शर्मा जी की डेथ हुई थी जी। तो वो क्या नुपुर शर्मा ने वहां पर करवाया था जाकर? अभी शाहीन बाग के अंदर हुआ या जहांगीरपुरी के अंदर जब कुछ बवाल हुआ तो ये सारे के सारे केस जो थे ये क्या नुपुर शर्मा ने करवाए थे? नुपुर शर्मा को तो एक इन्होंने एक पोस्टर बॉय बना दिया है कि भाई उसको मुद्दा बना के खड़े कर दो, लेकिन उसने जो कुछ कहा उसके लिए हम सही कहा गलत कहा हम उसमें नहीं जा रहे हैं बहस में। जो बात उसने कही वही जाकिर नाइक लगातार कहता रहा है, उसके भाषणों के अंदर मौजूद है, उसके भाषण इस्लामिक देशों के अंदर सुने जाते हैं, उसके भाषण इस्लाम के नजरिए से बड़े विद्वतापूर्ण माने जाते हैं, और जो कुछ नूपुर शर्मा ने कहा वही उसके भाषणों में मौजूद है, तो वो तो विद्वतापूर्ण है। लेकिन उसी बात को अगर उस नूपुर शर्मा ने रिपीट कर दिया तो वो इतनी बड़ी गुनहगार हो गई कि उसका सर धड़ से स्तन से अलग कर दिया जाए, और केवल उसका ही नहीं अगर उसके पक्ष में कोई जमान खोले तो उसका भी सर धड़ से अलग कर दो। तो ये स्थिति जो है ये केवल एक फॉल्स नैरेटिव है जो एक वर्ग विशेष के द्वारा पिछले 8 साल में पूरी शिद्दत के साथ में उठाया जा रहा है और चलाया जा रहा है, क्योंकि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि अब तक जो देश के अंदर चल रहा था रवैया वो रवैया अब चेंज क्यों हो गया। वो रवैया उसी ढंग से चलता रहता तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अगर एक नई विचारधारा आई और उस नई विचारधारा के लोगों ने नए सिरे से देश को समस्याओं को हल करने के लिए अपने ढंग से प्रयास किया तो लोकतांत्रिक तरीके से चुन के सरकार आई है, लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने सत्ता ली है, कोई किसी खूनी क्रांति से नहीं आए, तो उन्होंने अगर मान लिया वो कर रहे हैं तो ठीक है उनको करने दो, तुम अपना प्रयास करो, तुम्हें जनता ले आएगी, तुम दोबारा अपने हिसाब से कर लेना अगर जनता ने तुम्हारे काबिल समझा तो। नूपुर शर्मा को तो जबरदस्ती एक मुद्दा बनाया गया है, नूपुर शर्मा के नाम पर केवल एक उकसाना भड़काना और आग लगाना ये काम किया है एक वर्ग ने, और उस वर्ग को बड़ी सख्ती से करना जरूरी है, वरना जो यहाँ पर गजबाए हिंद और ISI के मंसूबे हैं उन मंसूबों को रोक पाना और गजबाए हिंद के कायम होने से रोकना बहुत मुश्किल होगा। मैं तो समझता हूँ कि सरकार को कानूनों के अंदर भी बहुत सख्त प्राविधान कर देने चाहिए, और दूसरे कई देशों के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था है कि ऐसे लोगों ऐसे मामलों में बहुत फास्ट ट्रैक वहाँ पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस टाइप के मामलों में भी जो जो उदयपुर के अंदर हुआ, उदयपुर से पहले महाराष्ट्र के अमरावती के अंदर ऐसे ही एक पोस्ट पर किसी पर समर्थन करने पर कोल्हे नाम के एक लड़के को जो है उसका गर्दन रेत कर उसको भी इसी ढंग से मारा गया। एक सेम पैटर्न दोनों में दिखाई पड़ रहा है, और इस पैटर्न की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। इस बात को केरल के गवर्नर माननीय आरिफ मोहम्मद साहब ने बड़ी शिद्दत के साथ में पिछले कुछ दिनों में उठाया है कि जो हमारे यहाँ के एक शिक्षण तंत्र है जिसे मदरसा शिक्षा कहा जाता है उसके अंदर किताब उन्होंने किताबें कोट करी हैं, उन्होंने दिखाई है टीवी के ऊपर भी कि भाई पहला लेसन ही ये है कि भाई गला काट के जो है मारो, और उन्होंने लिखा है उसके अंदर कि पहले 2008 में मैंने देवबंद को चिट्ठी लिखी थी कि भाई इन सबको आप किताबों को ख़त्म करो, बोले आज तक उन उस चिट्ठी का जवाब तक भी उन्होंने देना मुनासिब नहीं समझा है। तो जब एक सिखाया जाएगा शुरू से पढ़ाया जाएगा कि काटो 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 तो वो काटने की प्रवृत्ति उनकी आती है, उस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या करा जाएगा? फ्रांस के अंदर अगर मान लिया वो मदरसों के ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं तो भाई तुम्हें क्या दिक्कत है हिंदुस्तान के अंदर? मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह से चीन ने वहाँ पर सख्ती कर रखी है, हैं, तो अगर उस टाइप की भी सख्ती करने की आवश्यकता पड़े देश को बचाने के लिए तो करना चाहिए। सिंह साहब, अभी कानून बदलने की बात अनिल जी कर रहे थे, आप क्या कहते हैं इस मामले पे? नहीं, अच्छी बात कह रहे अनिल जी। अब मेरी बात जो मैंने यूपी के बारे में कही ना उसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर दूं। मेरा कहने का मकसद ये है इस बात को लेके कि ऐसा हो रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं आई, याचिकाएं लंबित हैं, सुनवाई चल रही, वो ठीक है प्रोसेस है, अगर उन्हें शिकायत है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया उन्होंने और इस बात को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट आए, वो चीज मानी जा सकती है। लेकिन ये कहां तक है कि अनुरोध सुप्रीम कोर्ट ये कहने लगे उदयपुर में हुआ इनकी वजह से हुआ, तो फिर कहां किस 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 वजह से हो, गोधरा कांड किसकी वजह से हुआ, विषय ये है उदयपुर किसकी वजह से हुआ, वो कंप्लेंट दे रहा था, ये हुआ था, ये हुआ। और फिर एक उदयपुर गोधरा नहीं है, जो मर गया हम उसको नहीं रो रहे, हमें भविष्य का खतरा है कि जी। मैं एक बात और इसमें कहना चाहूंगा जी जी, ये सारे झगड़ों को जोड़ दिया जाता है गुजरात के दंगों से,
साल 2001-2 में जब दंगे हुए उसके बाद में देश के अंदर आग लग गई। गुजरात के अंदर 2002 से पहले दंगे नहीं होते थे। गुजरात के अंदर क्या होने वाला है, फिर से क्या होगा हिंदुस्तान के, गुजरात के इतिहास में 1969 में महात्मा गांधी जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान हुए और इतने भयंकर दंगे हुए कि पाकिस्तान से भारत सरकार के राष्ट्रीय अतिथि के रूप में गांधी जन्म शताब्दी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए खान अब्दुल गफ्फार का साहब आए थे जी। और वो पोरबंदर गए महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर उनको मथा टेकने के लिए, उनको अपनी खराज कैदत देने के लिए। और गुजरात के अंदर दंगे हो गए जबरदस्त, तो उसके अंदर फंस गए। इंदिरा जी को उनको सुरक्षित निकालने के लिए दिल्ली से विशेष फोर्स भेजकर और विशेष प्लेन भेजना पड़ा, तब उनको सुरक्षित वो एस्कोर्ट कर पाई वहां से। तो ये गुजरात के अंदर 1969 के अंदर दंगे हुए और वो उस टाइम कांग्रेस की सरकार गुजरात के अंदर थी, कोई मोदी की सरकार नहीं थी, कोई मोदी पिक्चर में भी नहीं था उस जमाने में। तो वहां पर दंगे लगातार होते चले आ रहे हैं। और बाकी बॉम्बे के अंदर सीरियल ब्लास्ट जो हुए हैं 1993 में है, तो उनमें क्या नूपुर शर्मा कहीं पर मौजूद थी? पूरे देश के अंदर दंगे होते रहे हैं। और ये अब पिछले कुछ सालों से जब थोड़ा सा टिट फॉर टैट की पॉलिसी अपनाई गई, तब उसके बाद में दंगे थमे हैं, वरना उससे पहले दंगे दंगे होते रहते थे हमेशा यहाँ पर। हमारा मेरठ शहर इस बात का गवाह है। 1987 में जब पहली बार एक वर्ग ने वहाँ पर दुकानों में फैक्ट्रियों में आग लगा दी और कत्लेआम लोगों का करना शुरू कर दिया, बेगुनाह लोगों को यहाँ पर जो राहत कमिश्नर गवर्नमेंट ने बनाकर भेजे थे उनके सामने ही एक छुरा मारकर मार दिया। और उसके बाद में दौराला के पास में गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर एक बस को रोक के 9 लोगों को उतार के मार दिया रिटेलिएशन में। नतीजा ये हुआ कि 2 घंटे बाद सैयद शहाबुद्दीन, अब्दुल्ला बुखारी और तमाम जितने भी भाषणकर्ता भाषणवीर थे उन सबके बयान आ गए कि हिंदू और मुसलमान इस मुल्क की दो आंखें होती हैं और सबको आपस में मिलकर रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। शांति कायम हो गई और 1987 के बाद में मेरठ में कोई दंगा नहीं हुआ। जी, मुझे लग रहा है सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सिंह साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो कहना क्या चाह रहा हूं, मैं तो भविष्य को लेकर बड़ा चिंतित हूं। अगर इस तरह की जुडिशरी काम करेगी, इस तरह का वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कमेंट्स करेंगे तो क्या तो याचिकाकर्ता का होगा, क्या वकीलों का होगा, क्या इस देश के 150 करोड़ की जो प्रतिनिधित्व करता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसका होगा? लीक से हटके बातें होंगी, आपके अंदर भड़ास हो सकती है। कौन कहता है मतदान गुप्त होता है? आप करिए जिसको देना मतदान, कोई बुराई नहीं। कांग्रेस भी पार्टी थी, आज से 8 साल पहले वही सत्ता में थे ना, सत्ता में थे मनमोहन सिंह जी थे, नरसिम्हा राव जी थे, इंदिरा जी, राजीव जी, सब थे ही थे। कौन मना कर रहा है? आपकी जो विचारधारा हो आप रखिए अपने पास, कौन मना कर रहा है? लेकिन उस विचारधारा को कोर्ट में जब आप बैठते हैं तो न्याय के देवता होते हैं, न्याय के मंदिर के पुजारी। हम लोग किसी व्यक्ति को माइलॉर्ड नहीं कहते हैं, हम लोग किसी व्यक्ति के आगे एक 40 साल के 35 साल के 30 साल के जज के सामने एक 80 साल का बुजुर्ग जब सिर झुकाता है माइलॉर्ड कहता है तो वो सीट को नमन करता है, वो सीट के आगे झुकता है। ये जो सीट है वो न्याय के मंदिर के देवता की है। एक छोटे से छोटे व्यक्ति का जब झगड़ा होता है तो वो क्या कहता है? आई विल सी इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। मतलब वो नहीं कहता है कि मैं तुम्हें पैसे से देखूंगा, मैं तुम्हें थाने में देखूंगा, मैं तुम्हें नेतागिरी से देखूंगा, मैं तुम्हें मीडिया से देखूंगा, मैं तुम्हें छुरा मार के देखूंगा, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। वो नहीं कहता है, वो कहता है आई विल सी इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। कितना भरोसा है इस देश के लोगों का कोर्ट पर, कितने इस देश के आम एक अनपढ़ व्यक्ति कहता है मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, उसे लगता है कि मुझे न्याय मिलेगा। उस भरोसे को बना के निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक को ये गरिमा रखनी पड़ेगी, ये रखनी चाहिए। आपके व्यक्तिगत भाव कुछ भी हो सकते हैं नूपुर शर्मा के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई तरह की विचारधाराएं होती, यही तो संवाद है। आपके व्यक्तिगत विचार गलत हो सकते हैं, नूपुर शर्मा ने गलत बोला, डिबेट गलत की, पार्टी में गलत है, गलत पार्टी की प्रवक्ता है, गलत समय पे पैदा हुई, गलत परिवार में है, आप कुछ भी विचारधारा रख सकते हैं व्यक्तिगत है। लेकिन आप उस पद पर बैठने के बाद आप उस केस की बात करिए, नूपुर शर्मा के केस को क्लब करने की बात कहिए, क्या विभिन्न जगह एक ही डिबेट पर FIR रजिस्टर्ड हुई, क्या एक्यूज्ड जो है जो पिटिशनर वो एक ही है, FIR डिफरेंट स्टेट में हुई, कैसे वो ट्रायल करेगा, किस तरह से फेस करेगा,
कैसे करना होगा इस पर चर्चा कीजिए, ये पूछिए कि कहां रखें। पॉइंट की बात पता क्या है इसमें, क्लब किए जाते हैं केस। मनविंदर जी मैं आपको बताऊं, क्लब का पता सबसे पहला क्या है, जो सबसे पहली एफआईआर दर्ज हुई हो, मैंने कई क्लब इन केस कराए, मुझे भी वहीं से पता चलता है कि जो सबसे पहली एफआईआर हुई, मिनट्स मिनट्स और डेट्स होते हैं, वहां ट्रांसफर कर दिए जाते हैं सारे। गाजा फैक्शन वहां का है, बनिए वहां जाइए, ट्रायल कीजिए, बेल कराइए अपनी सब में, और श्योरिटी ले जाइए और आर्गुमेंट करिए, चार्जशीट लीजिए, चार्ज फ्रेम करिए, सब वो न्यायालय तो देश के ही है ना, कहीं ऐसा तो नहीं था पाकिस्तान में ट्रांसफर करने की बात हो, चाइना में ट्रांसफर करने की बात हो, इस देश में ही तो ट्रांसफर, इस देश में ही एफआईआर हुई, इस देश के नीपुर शर्मा, इस देश के कंप्लेनेंट, इस देश के कोर्ट, इस देश के न्यूज चैनल, इस देश के पैनलिस्ट, इस देश का एंकर, इस देश का ही सब कुछ है, तो क्यों इसे बाहर बनाया जाएगा। इस बात से विदेशों में हमारे देश की छवि खराब होती है, गरिमा खराब होती है, इससे दुखद होता है। भारत विदेशों में जो लोग रह रहे हैं उनमें लड़ाई पैदा होती है, उनमें विवत्सा आती है, उनमें आपस में वैमनस्यता आती है, वो नहीं होना चाहिए, मेरा यही अनुरोध है, मेरा यही कहना। एक एक सवाल मेरा और है सिंह साहब आपसे, जी क्या मतलब न्यायिक इतिहास में याचिकाओं को एक जगह पे क्लब नहीं किया गया इससे पहले? बहुत बार हमारे दर्जनों केस हैं, हमारे पास दर्जनों केस है, मैं बता रहा हूं ना उदाहरण, रामदेव जी का क्लब हुआ, बोल दिया था उन्होंने दलित समाज के लिए, कुछ बोल दिया निकल गया, वो अलग विषय, मैं नहीं कहता बोल दिया या क्या बोल दिया, इंटेंशनली बोला, निकल गया, बुलवा लिया गया, उत्तेजित कर दिया गया, ऐसा भाव ला दिया गया, ऐसी विचारधारा आ गई, उस समय की स्थिति परिस्थिति देखनी पड़ती है, कब कौन कहां क्या कैसे बोल सके, उसके सामने कैसे बुलवाया जा रहा है, कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ये चीजें कई चीजें होती हैं, डिबेट है, कोई ऐसा नहीं हस्तलिप नहीं हो गई, वो एक डिबेट को डिबेट रहने दीजिए, आप डिबेट को हत्या पर उतारू है, डिबेट का क्या अर्थ हुआ, फिर तो अर्थ होगा इस संवाद बंद हो, संवाद ही बंद हो जाए फिर तो क्या फायदा चर्चा करने का, फायदा फिर तो चर्चा सदन किस लिए है, विधानसभा किस लिए, लोकसभा राज्यसभा किस लिए, चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए, बहस करने के लिए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में क्या करते हैं, बहस करते हैं, अपनी बात हम रखते हैं उधर से, वो बात रखते हैं, ऑनरेबल कोर्ट सुनती है, फैसला सुनती है, फिर तो क्या हुआ, राजा भी सुनता था, राजा भी, अभी पिछले दिनों जोधपुर हाईकोर्ट की जब बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ तो हमारे अभी तो वर्तमान में ही है, चलिए राष्ट्रपति जी आपको माननीय महामहिम जी रामनाथ कोविंद जी वहां पहुंचे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा आज के जमाने में न्याय महंगा है, आज के जमाने में न्याय डिले है, उस समय उन्होंने राजाओं को, क्योंकि राजस्थान की बात थी, जोधपुर की बात थी, राजाओं की बात थी, और राजसी फैमिली से भी लोग आए थे, परिवारों से भी आए थे, मैं भी पहुंचा था, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उस समय न्याय मिलना आसान था, फरियादी आता था राजा के दरबार में, घंटी बजाता था, घंटी पर उसकी सुनवाई होती थी, उसे राजा के दरबार में पेश किया जाता था, तुरंत सबको बुलाया जाता था, तुरंत कार्रवाई होती थी और फैसला किया जाता था, वो स्पीडी जस्टिस था, वो मेडिएशन भी थी, वो त्वरित न्याय था, वो सस्ता न्याय था, वो सुलभ न्याय था, वो सच्चा न्याय था, जो जो वहां पर चर्चाएं होती थी। आज हमने अपने को बदला है, हम भारत के संविधान के अनुसार चले हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की हस्तलिपि और पूरी सब मेहनत थी, संविधान निर्मात्री सभा जो थी पूरी अंबेडकर जी के साथ लगी, सबने मेहनत की और हम उस संविधान को मानते हैं। कौन ऐसा है, मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री बने जो भारत के संसद में जब गए तो दंडवत हो गए, सिर नमन कर दिया, दंडवत हो गए उस लोकसभा, उस अपनी संसद के लिए जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है। क्या उस बंदे के दिल में रहा होगा कि हम इसके आगे नतमस्तक हो रहे हैं, इसका मतलब हम देश को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। पिछली सरकारों ने क्या किया नहीं किया हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सब अच्छा करने का प्रयास करते हैं, हो सकता है उन्होंने भी अच्छा किया हो और अच्छा आगे हो, हो सकता है मोदी से जी से भी अच्छा कोई और आए और आगे प्रधानमंत्री, सबकी क्षमताएं अलग हैं, सबकी विचारधाराएं अलग हैं, सबके दिल के अंदर जो आग लगी है वो अलग अलग हो सकती है, सबके भाव है, यही तो हमारी खूबी है, सबको अवसर दिया जाता है, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया गया, कभी कहा जाता था जय जवान जय किसान, समय बदला फिर जय विज्ञान की बात की गई, आज जय विज्ञान का ही तो है कि आप वहां हैं और गुप्ता जी आदरणीय गुप्ता जी वहां हैं, मैं यहां हूं और डिबेट चल रही है, जय विज्ञान भी मानना पड़ा, पहले इसी काम के लिए चैनल पे जाना पड़ता था, फिर दूसरा समय आया इसी काम के लिए,
घर के आगे बड़ी बड़ी मशीनें लग जाती थी, जनरेटर स्टार्ट हो जाते थे, ओवी बहन लग गई, घर के पास पड़ोसियों लोगों को भी परेशानी होती थी, 10 ओवी बहन आ गई, ये पीसी जी के यहाँ 12 ओवी बहन आ गई, ये तो जाम हो गया, लग गया, क्या हो गया, पर ये सब समय बदला, समय धीरे धीरे नई परिस्थितियां आई, तो जैव विज्ञान का समय आया। तो आज हमें ये सोचना पड़ेगा, हमारे नेतृत्व में भी नए परिवर्तन आ रहे हैं, नई सोच आ रही है, लेकिन हत्या कहां से आ गई, संवाद के बीच हत्या कहां से आ गई, आपने बोला, सबने बोला, सब एक दूसरे, बड़ी दुखद बात है, इस देश में ऐसा है जो सब एक दूसरे के धर्म के खिलाफ बोल लेते हैं, किसी को कोई जवान पे पाबंदी नहीं, फिदा हुसैन देखो क्या क्या बना देते थे, कहां कहां शिवलिंग नहीं है, ये फब्बारा है, ये तो ये है जी, ये तो वो है जी, अरे जब कोर्ट काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, सिस्टम काम कर रहा है, भरोसा कर लो उस पर। वाराणसी मामला हुआ, वहां हुआ दंगे, दंगे किस्मत, ये दंगे धर्म के लोग नहीं करते, मैं आपको बताऊं, दंगे सिर्फ आतंकवादी लोग करते हैं, हत्यारे करते हैं, लूट मार के इरादे से करते हैं, ये चीज ये कभी भावना वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। आप कहें कि संविधान में बदलाव चाहता है इसलिए वो मार मौत कर, नहीं, वो दंगा इसलिए नहीं कर रहा, वो दंगाई है, उसके अंदर डीएनए में बदमाशी है, उसके डीएनए में खून खराबा करना है, उसके डीएनए में हत्या करना है, उसके डीएनए में एक दूसरे को मारना है, इसलिए वो करता है। जो व्यक्ति वैचारिक व्यक्ति है, वैचारिक क्रांति लाइए, संपूर्ण क्रांति लाइए, भावनाओं की क्रांति लाइए, इस तरह की भावनाएं लाएं आप, तो सब सुनते हैं, कौन नहीं सुनता। और देखिए आप उस टेलर के यहां, आप फोटो देखिएगा, अभी पिछले हफ्ते उदयपुर गया था, बड़ा दुख लगा मुझे, उदयपुर के लोगों का आज नेट बंद हो गया, सब कुछ राजस्थान का बंद कर दिया गया, उनका सामाजिक जीवन टूट गया, कोई फ्लाइट में रह गया है, कोई एयरपोर्ट पे, कोई कहीं है, किसी का टिकट, किसी के पैसे, किसी की कोर्ट, किसी की तारीख, किसी का परिवार, किसी का व्हाट्सअप, किसी की डिटेल, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, बहुत दुखद बात लगी। और उस टेलर के यहाँ फोटो पता किसके लगे थे, मुस्लिम हीरो जो हमारे रेमंड जिया जी शूटिंग शेटिंग का प्रचार करते हैं, कपड़ों का वो प्रचार करते हैं, उसके यहाँ वो फोटो लगे हुए थे, वो फोटो चिपका के रखता था, लगा के रखता था, उसने नहीं मन में सोचा कभी होगा ऐसा कि हमें जो एक, अगर धर्म की बात करें कि हम जिस धर्म के लोगों के फोटो रोज साफ करके लगा देते हैं, सफाई धूल ना लग जाए इनके, जो हमारे हीरो हैं, प्रचारक हैं, कपड़ों के प्रचार करते हैं, और उन्हीं के सामने उसकी हत्या होती रही। ये बड़ा दुखद विषय है, ये बड़ा गंभीर विषय है, और इतनी दुर्दांत, आपको दुख था, आप कह सकते हैं भाई तूने कैसे ऐसे बोला, व्हाट्सएप क्यों डाला, ये क्यों डाला, डिलीट कर, अच्छी बात नहीं है, तू तो हमारा उदयपुर का है, मैं भी उदयपुर का हूं, मैं मुस्लिम हूं, तू हिंदू, ऐसा क्यों कर रहा है, चल माफी लिख दे, इस पे गलत लिख दे, धोखे से पड़ गया, नहीं ये विचारधारा तेरी है, इस तरह की बात होनी चाहिए। कितना बड़ा भरोसे का खून, ग्राहक और दुकानदार के भरोसे का खून, वहां साइज नपवाई जा रही है, कंधे पे हाथ रखे, अरे आदमी तो जानवर तक को नहीं मरने देता है। लोग इस देश में मैडम बकरी कुत्ता बिल्ली को बचाने के लिए बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं जिनमें भयानक मौतें होती हैं लोगों, लेकिन ड्राइवर का सिर्फ मन होता है ये जानवर ना मरे, ये कुत्ता ना मर जाए, ये बिल्ली ना मर जाए, ये भैंस आ गई है, ये बकरी आ गई, ये मर ना जाए, इस बीच डिसबैलेंस हो जाती है गाड़ियां कि हत्या ना हो जाए जानवरों तक। ये तो इंसान की हत्या थी, ये तो इंसान की हत्या थी, ब्रूटल मर्डर था, कह के बोल के। कई हत्याएं होती हैं उत्तेजना में, कई हत्याएं होती हैं एकदम उत्तेजना आ जाने पे, उनको कोर्ट दूसरे नजर से देखता है, लेकिन ये प्लान्ड मर्डर, प्री प्लान्ड मर्डर, सोशल मीडिया पे भी पड़ रहा है, एविडेंस भी इकट्ठी की जा रही, इसका मतलब आप चैलेंज कर रहे हैं हमारे देश, सहिष्णुता को चैलेंज कर रहे हैं, हमारे देश की सभ्यता को चैलेंज कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे देश की सर्वधर्म संभाव की बात को चैलेंज कर रहे हैं, हमने गलत किया सर्वधर्म संभाव बोल के, हमने गलत किया सब धर्मों की इज्जत करके, इसका मतलब ये हुआ ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अनिल जी इस समय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब जो राजनीति शुरू हो गई है, कल राहुल ने भी एक बयान किया कि जो उदयपुर में एक घटना हुई है वो दुपुर के बयान की वजह से और बीजेपी के क्रियाकलापों की वजह से हुई है, उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी को भी साथ में जोड़ दिया है। क्या तो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है कि नुपुर के बयान की वजह से ही देश के अंदर वातावरण खराब हुआ है, उन्होंने तो जितने भी डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं उन सबको एक मुद्दा दे दिया कि वो इसी ढोल को पीटते रहे लगातार,
मेरा अपना मानना यह है कि जो नूपुर शर्मा के बयान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी पब्लिसिटी दी गई, इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया, उसके पीछे का भी एक एजेंडा है। और वो एजेंडा क्या है? नूपुर शर्मा के बयान से पहले नूपुर शर्मा का बयान किस बहस में हो रहा था? वो ज्ञान भाभी मस्जिद के ऊपर बहस हो रही थी, वहाँ पर जो शिवलिंग को फवारा बताया जा रहा था और उसके बारे में उल्टी सीधी बातें की जा रही थी, उसी पर तो उसने बोला। तो जब ज्ञान भाभी मस्जिद का मुद्दा आया, उसी के साथ मथुरा का मुद्दा आया, उसके अलावा और कई जगहों के मंदिरों के मुद्दे आ गए, जगह जगह पर ये कहा गया कि साहब ये मंदिर कभी जांच कराई जाए, इसकी भी जांच कराई जाए। और जो डरा हुआ वर्ग था उसको पता था कि हमने 1000 साल के अंदर जो 50,000 या 1 लाख या 2 लाख मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया है, अभी एक एक करके सबके ऊपर क्लेम करेंगे। तो उसको ठंडा करने के वास्ते ये नूपुर शर्मा के मुद्दे को इतना जबरदस्त तूल देकर किया गया। उस दिन के बाद से ज्ञान वापी या किसी और मुद्दे के ऊपर या मंदिर के ऊपर बहस आनी टीवी के ऊपर बंद हो गई है, अखबारों की सुर्खियों में से भी वो विषय गायब हो गया। केवल उसको हटाना ही उसका मकसद था और उस मकसद में वो कामयाब हो गए अपने हिसाब से। आगे अब ये इस देश को जैसे दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाया जाए, ये एजेंडा तो इनका 1400 साल से चल रहा है और 1400 साल के बाद में भी आज भी इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर केवल 30% इस्लामपंथी हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों को अगर मिला लें तो टोटल आबादी का केवल 30% है, जबकि दूसरे बहुत सारे देश ऐसे हैं जो केवल साल में, 2 साल में, 6 महीने में ढह गए, पूरे पूरे खत्म हो गए। तो कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी है। ये इसीलिए नहीं मिटती कि हमें पता है कि सही रास्ता क्या है, हमने सबको गले लगाया है। पेरुमल चेरियान, अगर पेरुमल चेरियान आपने एक नाम सुना हो, केरल के एक राज्य के राजा थे वो, और हजरत मोहम्मद साहब के समकालीन थे। अरब के जो व्यापारी यहाँ पर आते थे उन्होंने उनसे कहा कि हमारे यहाँ एक नया मजहब पैदा हुआ है और मजहब के रहनुमा हजरत मोहम्मद साहब हैं। तो राजा पेरुमल चेरियान खुद उनसे मिलने के लिए अरब गए, और ऐसा कहा जाता है कि ही वाज द फर्स्ट कन्वर्ट फ्रॉम हिंदू टू मुसलमान, जिसको खुद हजरत मोहम्मद साहब ने कन्वर्ट किया। अब ये अलग बात है कि वो हिंदुस्तान पहुँचते से पहले उनकी डेथ हो गई, तो अब वो सच्चाई कितनी थी कन्वर्टन की, कितनी नहीं थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ हम कोई नया रास्ता आता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, और ये जो समझने की कोशिश है इसी के फलस्वरूप आज हम हजारों साल से जिंदा हैं। यही है वो चीज़ जो कहते हैं ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यही वो बात है। तो लेकिन इस चीज़ को दूसरों को मानना पड़ेगा ना, नहीं मानेंगे तो फिर तो चलता ही रहेगा सिलसिला। आपने ठीक कहा, हस्ती कभी मिटेगी नहीं। बहुत आपने अच्छी बातें कही, चर्चा बहुत अच्छी रही। सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शॉर्ट नोटिस पे शो में आने के लिए कष्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे दर्शकों की ओर से भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। फिर मिलते हैं किसी और नए मुद्दे पे, तब तक के लिए दर्शकों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।